लगभग 4.5 वर्ष के दौरान प्रदेश में लगभग 2000 मेगावाट का विद्युत उत्पादन किया है, यानी नए पावर प्रोजेक्ट लगा करके इतनी क्षमता का विकास किया है। पिछली सरकारें क्या करती थी, बहुत महंगे दाम पर पावर परचेज एग्रीमेंट करती थी और उसके नाम पर उसका बोझ प्रदेश की जनता पर डालती थी, जिससे बिजली भी नहीं मिलती थी लेकिन बड़े बड़े बिजली के बिल आ जाते थे, गरीब तबाह होता था, परेशान होता था। आज भाइयों बहनों, सरकार ने बिजली 24 घंटे देने की जो कार्रवाई प्रारंभ की है, उसमें आपका हरद्वारगंज का जो थर्मल पावर का स्टेशन स्थापित हुआ है, एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। प्रदेश के अलग अलग जनपदों में जो भी सब स्टेशन स्थापित हुए हैं, यह भी सब स्टेशन वहां पर विद्युत की निर्बाध आपूर्ति में मदद करेगी और बहुत अच्छा कार्य विगत 4.5 वर्ष के अंदर पावर कॉर्पोरेशन ने किया। 121,000 गांव में बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, बिजली की लाइन पहुंचाई और 1,28,00,000 लोगों को फ्री में बिजली देने का कार्य भी, इतने परिवारों को देने का कार्य किया है और पावर कॉर्पोरेशन ने किया है। और भाइयों बहनों, इसलिए जिससे आपके जीवन में परिवर्तन लाया जा सके। मैं जानता हूं जब यहां पर हम इस पावर प्रोजेक्ट का स्वयं उपस्थित होकर के लोकार्पण कर रहे हैं, कुछ लोगों को लखनऊ में सपने आ रहे होंगे और उनके सपने में भगवान कृष्ण आ रहे होंगे और कह रहे होंगे कि अरे अपनी नाकामयाबियों पर अब तो रो जाओ, जो कार्य तुम नहीं कर पाए वह बीजेपी की सरकार ने कर दिया है। भगवान कृष्ण आज उनको कोस रहे होंगे और इसलिए कोस रहे होंगे क्योंकि भगवान कृष्ण ने उनको ये भी जरूर कहा होगा कि जब तुम्हें सत्ता मिली थी तब मथुरा वृंदावन बरसाना गोकुल बलदेव के लिए कुछ नहीं कर पाए, लेकिन वहां पर कंस को पैदा करके जवाहर बाग की घटना जरूर करवा दिए थे। यानी ये हरकतें थी पिछली सरकार की, वहां पर कृष्ण से मतलब नहीं, उनको भगवान कृष्ण से मतलब नहीं था, वे तो कंस के उपासक थे और कंस को ही पैदा भी करते थे और तब वही कंस जब पैदा होते थे तो जवाहर बाग की घटना भी घटित होती थी, जिसमें SP CT मुकुल द्विवेदी भी शहीद हुए थे। भाइयों बहनों, आज मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, 2012 से 2017 के बीच पहला पंगा कहीं हुआ था, उसी मथुरा की धरती में कोसी कला से प्रारंभ हुआ था, जवाहर बाग की घटना उसी मथुरा जिले में हुई थी, मुजफ्फरनगर का दंगा कौन भूला होगा, अलीगढ़ में विवाद कौन भूले हैं, बरेली में दंगों के लंबी श्रृंखला और इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेटियों की सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ होता था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, पिछले 4.5 वर्ष के दौरान मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश में हमारे जनप्रतिनिधियों, प्रशासन, पुलिस और सभी ने मिलकर के जो कार्य किया है, आज उसका परिणाम है उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त प्रदेश बन गया है। अब भाइयों बहनों, प्रदेश में गन्ना उत्पादन होता है, पहले गन्ना नहीं, पहले दंगों का उत्पादन होता था, अब प्रदेश में गन्ने का उत्पादन हो रहा है और गन्ने का उत्पादन हो रहा है तो फिर साथा चीनी मिल वंचित कैसे रह जाएगी। हमारी सरकार ने तय किया है साथा चीनी मिल, सारी मिल जो पुरानी पड़ चुकी थी, क्षमता जिसकी बहुत कम थी, यहाँ पर
नई चीनी मिल लगाने का कार्य सरकार करेगी। भाइयों बहनों, पिछले पौने पांच वर्ष के दौरान ये केवल घोषणा नहीं, प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है। और पिछले पौने पांच वर्ष के दौरान 1,52,000 करोड़ रुपए के गन्ना मूल्य का भुगतान अपने अन्नदाता किसानों के खाते में करने का कार्य भी हमारी सरकार ने किया है। पहले किसानों को पैसा नहीं मिलता था, चीनी मिलें बेची जाती थी, औने पौने दाम पर चीनी मिलें बेची जाती थी, दलालों को उसमें हावी करवा दिया जाता था, अराजकता का तांडव होता था। और भाइयों बहनों, विकास के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, कहीं पे हरद्वारगंज का पावर प्लांट, कहीं सब स्टेशन, कहीं स्मार्ट सिटी में ITMS की परियोजना का उद्घाटन, कहीं पे फायर स्टेशन, कहीं पे स्कूल का निर्माण, कहीं चिकित्सालय का निर्माण, कहीं सड़क का निर्माण, ये जितने कार्य हो रहे हैं, ये पैसा जो आपके माध्यम से टैक्स से सरकार को प्राप्त होता है, यही पैसा हम लोग विकास के कार्य में खर्च करते हैं। पहले यही पैसा कहां जाता था? आज आप जो सरकार JCB लगा करके उस पैसे को दीवारों से निकाल करके बाहर कर रही है, समाजवादी पार्टी के केवल परिवारवाद और वंशवाद तक थी। अपने परिवार के बारे में सोचते थे, अपने वंश के बारे में सोचते थे, पैसा लूटते थे और लूट का पैसा फिर ऐसे ही दीवार चिन चिन करके बना करके जमा करके रखते थे और फिर वक्त आने पर उनको प्रदेश में दंगों को कराने में, भड़काने में, गरीबों की संपत्ति को लूटने में उस पैसे का ये लोग दुरुपयोग करते थे। ये तो सब जानते हैं। आज सरकारी संपत्ति पर, गरीब की संपत्ति पर, किसी शरीफ और ईमानदार व्यक्ति की संपत्ति पर, किसी व्यापारी की संपत्ति पर कोई कब्जा नहीं कर सकता, कोई नहीं कब्जा कर सकता, क्योंकि जो कब्जा करेगा पीछे से राज्य सरकार का बुलडोजर भी तैयार बैठा रहता है। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी, प्रदेश के ऊर्जा मंत्री पंडित श्रीकांत शर्मा जी, प्रदेश सरकार में गन्ना और चीनी विकास विभाग के मंत्री श्री सुरेश राणा जी, प्रदेश सरकार के ही मंत्री श्री संदीप सिंह जी, लोकप्रिय सांसद श्री सतीश गौतम जी, माननीय सांसद श्री राजवीर दिलीप सिंह दिलेर जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय विधायकगण, श्री राजकुमार सहयोगी जी, संजीव राणा जी, अनिल परासर जी, रविंद्र पाल सिंह जी, अनुप वाल्मीकि जी, दलवीर सिंह जी, विधान परिषद सदस्य श्री मानवेंद्र प्रताप सिंह जी, श्री जयवीर सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री ऋषिपाल सिंह जी,
उत्तर प्रदेश सरकार में श्रम विभाग के समिति के अध्यक्ष श्री रघुनाथ सिंह जी, श्री आर पी सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी महानगर अध्यक्ष श्री विवेक सारस्वत जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारी संख्या में उपस्थित अलीगढ़ जनपद से जुड़े हुए सभी भाइयों बहनों, एक साथ यहां पर के नागरिकों को 7,100 करोड़ रुपए से जुड़ी हुई परियोजनाओं का उपहार प्राप्त हो रहा है, जिसमें 6,012 करोड़ रुपए की लागत से 660 मेगावाट क्षमता की तापीय विद्युत परियोजना का लोकार्पण के साथ ही प्रदेश के अलग अलग जनपदों में लखनऊ, हरदोई, लखीमपुर खीरी, अमेठी, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, जालौन, बांदा व मऊ में 822 करोड़ रुपए की लागत से विद्युत सब स्टेशन का निर्माण का लोकार्पण और साथ ही गोरखपुर, महाराजगंज और मऊ में उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 3 उपकेंद्रों का, जिनकी लागत 167 करोड़ रुपए है, इसका शिलान्यास भी आज संपन्न हो रहा है। अलीगढ़ से जुड़ी हुई स्मार्ट सिटी मिशन के साथ ही चिकित्सालय, शिक्षा के केंद्रों और विकास से जुड़ी हुई 255 करोड़ रुपए की 113 परियोजनाओं का भी आज यहाँ पर शिलान्यास और लोकार्पण हो रहा है, और साथ ही जब लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम हो तो युवा कहाँ से वंचित रह पाएगा। अलीगढ़ कमिश्नरी के 2000 युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण का भी कार्यक्रम यहां पर संपन्न हुआ है।